This is so cute, Dada. I like it. Mill wanted to do chairs. Sorry, Mill. Yes. कितने cutely सजाया है देखो backdrop. सबमिट हो गया वाला. I died. मेरे heart beat इतनी तेज हो रही है. क्योंकि यूके के ब्लॉग्स तो मुझे पोस्ट करना था पहले, ये ब्लॉग्स शुरू करने से पहले. ऑल्सो कुछ इवेंटफुल था नहीं दिखाने के लिए, तो मैंने सोचा मैं क्या ब्लॉग करूँ, मैं घर पे बैठी हूँ ये ब्लॉग करूँ और आप लोगों को क्या ही पसंद आएगा. एनीवे, अभी सुबह सुबह का समय, मैं हो चुकी हूँ रेडी जिम जाने के लिए. इसी बिल्डिंग में जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे एक जिम भी है, छोटा सा क्यूट सा जिम है, इक्विप्ड है वो जिम. आई स्टार्टेड ट्रेनिंग विद यश फ्रॉम आस्क नेचुरल. मैंने सारा को ट्रेन किया है, श्वेता देवी को ट्रेन किया है, एंड फॉर द पास्ट वन वीक ही हैज बीन ट्रेनिंग मी. सो बेसिकली ऑनलाइन ट्रेन करते हैं मेरे साथ, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रेन करते हैं. एंड आई रियली रियली नीडेड अ पुश इन माई लाइफ. मैं यूके गई थी, आई लॉस्ट सम इंचेस देयर, ठीक है, वहाँ पे बहुत चलना पड़ता था. सो आई लॉस सम वेट, आई लॉस सम इंचेस देयर, बट मुझे पता था कि मैं वापस आ जाऊँगी मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगी. एंड आई हैव पीसीओडी एंड ही इज एक्सपर्ट इन पीसीओडी, लाइक ही गिव्स रियली गुड डाइट एंड वो लाइफ स्टाइल कैसे आपको ठीक करना है, डाइट कैसे ठीक करना है, वर्कआउट क्या करना है, सब उनको आइडिया. तो आई थॉट लेट जस्ट ट्रेन माई सेल्फ, लाइक मैं खुद को पुश नहीं कर पा रही, तो लाइक समवन एल्स कैन पुश मी. तो आई सेड यस ट्रेन की चलो लेट्स वर्कआउट. Let's see where it goes. So, जल्दी से black coffee में पीऊंगी pre-workout and then we will go and workout. I'm at the gym right now. Meet Yash. आप लोग तो यश को जानते हो. एक हफ्ता हो गया ना हमको. How am I doing? Really? My forms are perfect. Perfect? अरे perfect बोल दिया मुझे. Okay, so we are doing deadlift right now. 20 kg कर रहे. ठीक है. Yes, chest up, shoulders tight, dumbbell पीछे रहेगा हल्का सा. Go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Workout हो चुका है complete. I'm back home. I washed all of my brushes. बहुत गंदे हो रहे थे. देखो मेरे पास दो puff आ गया. एक सारा का है. दोनों ही pack एक सारा का है. But This is one of this is Sara's, but मेरे पास आ गया, मैंने वो भी धो दिया. मैं जब उससे मिलूंगी ना नेक्स्ट टाइम दे दूंगी उसको. अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए एंड देन वी विल स्टार्ट पैकिंग फॉर दिल्ली. मैं जा रही हूँ दिल्ली फॉर यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव विद लैक्मे. उनके साथ मेरा कोलैब है एंड वहाँ पे हिमाद्री भी होगी. हम लोग हिमाद्री से मिलेंगे, काफी टाइम हो गया उससे मिले हुए. ओके, आई एम ऑल पैक्ड. दिस इज माई बैग फॉर वन एंटायर डे. आज रात को तो पहुँच जाऊंगी बट कल का दिन काफी हेक्टिक रहेगा. सो आई एम ऑल्सो अटेंडिंग लैक्मे फैशन वीक. इसकी वजह से मैंने एक्स्ट्रा आउटफिट वगैरह रखे हैं, कुछ क्लचेस वगैरह रखे, एक्स्ट्रा शूज वगैरह रखे हैं. इसकी वजह से बैग काफी भरा भरा सा हो गया है. एंड दिस इज माई एयरपोर्ट लुक, वेरी डिम्योर, वेरी माइंडफुल. उतार दूंगी, कैबिन बैग लेके जा रही हूँ, उसमें भर दूंगी. मुझे ना एयरपोर्ट में कभी कभार फ्लाइट में ठंड लगती है, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा जैकेट कैरी करना पसंद करती हूँ. मैं एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ. लास्ट टाइम मैं एयरपोर्ट पे थी जब मैं यूके से वापस आ रही थी. पूरा संसार बाहर निकाल लिया सिक्योरिटी चेकिंग के टाइम पे, फिर भी मेरा बैग ले गया वहाँ पे. देखो मेरा पिंक वाला बैग. मेरे पिंक बैग में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है. जब मैं वहाँ पे गई सिक्योरिटी के पास, उन्होंने बोला ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं. मैंने बोला तो क्यों रखा मेरा बैग, मैं जल्दी जल्दी होती फ्लाइट छूट जाती तो. एनीवे, अभी मैंने सबवे से अपने लिए सैलेड ले लिया है. जी हाँ, ये कवर सारा का है और अभी मैं ट्राई बाय अम्रपाली में हूँ. आई एम गेटिंग समथिंग फॉर हिमाद्री, शी रियली लाइक्स झुमकास, पर वो छोटे छोटे पहनती ना, तो आई एम गेटिंग दिस वन फॉर हर. कितना सुंदर लग रहा है ये. दे हैड अदर ऑप्शन ऑल्सो, देर इज वन राइट देयर. वो एक वाला भी दिखाओ ना मुझे, और इसका और उसकी कॉस्ट में डिफरेंस बताओ ना. हाँ, और मैंने अपने लिए ये वाला लिया. दिस विल गो विथ वेस्टर्न एंड इंडियन एंड इंडो वेस्टर्न आउटफिट. काफ़ी सुंदर लग रहा है ये. आर फ्लाइट इज़ डिलेड बाई 1 आवर, सो एवरीबडी इज असेंबल्ड जिनकी यही है फ्लाइट की, एंड दे आर डिस्कसिंग फाइटिंग, पता नहीं क्या क्या चल रहा है. 3 hours later. Guys, I landed in दिलवालों के शहर दिल्ली में. नमस्ते. अभी हम जा रहे हैं लगेज कलेक्ट करने के लिए. रात की 10:30 हो रहे. यहाँ से होटल रूम जो है दैट इज़ रेडिसन, वो सेक्टर 29 में है. इट्स 40 minutes अवे. देखो तो ज़रा कौन आया. माई बैग इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू कम. आ जाओ बेटा, आ जाओ. और भाई हो तुम. मैंने कैब कर ली है, अभी मैं जा रही हूँ होटल. जब शाम को 6 बजे चेक किया था ना, तो मुझे दिखा रहा था 43 minutes
बट अभी 20 मिनट्स दिखा रहा है, विच मीन्स हम लोगों ने शाम वाली ट्रैफिक पूरी अवॉइड कर ली. लाइक रियली रियली टायर्ड गाइस, रियली टायर्ड. आई वांट टू गो एंड स्लीप. प्रॉब्ली टेक शावर आल्सो. रेडी सुन आ चुकी हूँ. ठीक है, मेरा डिटेल वो भर रहे हैं अभी यहाँ पे. देन वी विल गो मीट हिमाद्री इन 1009. आपने आंखें बंद किया? I bought you a tofa. Open. What is this? This is something that you will like. Are you doing a collab? Nah. अपने मेहनत के पैसों से तेरे लिए खरीदी है. कोलैब ज्वेलरी जब बोला तोहफा है तो कोलैब क्यों होगा? यूज योर ब्रेन ना, यूज योर ब्रेन. ये वाला ब्रेन अभी यहाँ से यहाँ शिफ्ट होके नीचे चला गया अभी थोड़ा सा. दिस इज सो प्रिटी. दिस इज सो हिमाद्री. मैंने देखते से बोला था हिमाद्री. यार ये ब्रांड बहुत एक्सपेंसिव है. आई नो. तो नो वे. यस वे. नो दिस इज वेरी एक्सपेंसिव. शट अप. दिस इज नॉट. मेरी किडनी वर्थ नहीं है तो शट अप. दिस इज सिल्वर इयररिंग. दे सेल सिल्वर. हां इट्स ओके ब्रो. आई एम नॉट एक्सेप्टिंग. यू आर एक्सेप्टिंग. दिस इज वेरी एक्सपेंसिव. आई कन्विंस्ड हर कि तू रख चुप कर. नहीं लूंगी करके अब रख लिया उसने. लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग. आई हैव नेवर रिसीव्ड सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट एंड दिस इज वेरी स्पेशल. बट नाउ शी इज इंसिस्टिंग कि बहन है तो रख ले एंड ऑल दैट. सो आई गेट इट. आई एम कीपिंग दिस गिफ्ट. सी दिस. इसका भी वजन है यार. बहुत वजन है क्या? एकदम भारी लग रहा है. बहुत ज्यादा भारी नहीं बट हाँ वजन है. लाइक सिल्वर है. सिल्वर है भाई. झुमका खरीदा उन्होंने सिल्वर का. पैसे छाप रही है. और हिमाद्री कल 2 बजे तक बातें कर रहे थे एंड हमको ब्रेक ही करना था विच इज ब्रेकफास्ट. सुबह हम वॉक करके आए और 9:30 हो चुका है. 10 बजे से इवेंट है. एनीवे हम लोग डिसाइड कर जल्दी रेडी होंगे एंड देन वी विल रीच द वेन्यू. यहाँ से 10 मिनट का ही डिस्टेंस है. सो मैंने सारा मेरा मेकअप और ज्वेलरी वगैरह यहाँ रख दिया है एंड दिस इज माई आउटफिट. दिस इज वॉट आई बॉर्डर फ्रॉम सारा. मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इसको स्टिच करना पड़ा क्योंकि यहाँ से लूजी लूजी सा हो रहा था. बट सच अ प्रिटी आउटफिट. थीम इज फ्लोरल एंड डार्क फ्लोरल. इट्स अ लाइट फ्लोरल बट दिस इज अप्रूव्ड बाई ब्रांड सो गुड. हम लोग रेडी हो चुके हैं. वी आर वेरी लेट इसलिए हमको कैब भी नहीं मिली. तो मैं यार वो शोइंग 15 मिनट्स टू अराइव. तो तीनों वाला चल मैंने चल ऑटो से चलोगे सच समर के सुबह सुबह ऑटो में चले. बाय बाय दिल्ली आके पहुंच गए क्या दादा? मैं पहुंचने वाले हैं. मैं चलो बस पहुंचा दो उनको. इवेंट इज राइट हियर. एवरीबॉडी इज सिटिंग. अभी शुरू नहीं हुआ. दैट्स अ गुड थिंग. क्या बोलते हैं उसको बेबी? रेजिन आर्ट. रेजिन आर्ट बोलते हैं. रेजिन आर्ट बना रही फ्लावर्स से. जिसको देख के डाबर गुलाब का बॉटल याद आ गया. होटल वापस आई हूँ. लॉबी में मैं उसको बोल रही थी कि तू बहुत चेंज हो गई है चिंकी. पर नहीं हुई. नहीं हमारी चिंकी चेंज नहीं हुई. ठीक है. दे बोथ आर हैविंग चाय. दे आर चाय पर्सन. मिदुल इज हैविंग जूस एंड आई एम हैविंग कॉफी. मिदुल वांटेड टू डू चेयर्स. सॉरी मिदुल. यस. रूम में आ चुके हैं. उन्होंने कितने अच्छे से हमारा बेड बना दिया है होटल स्टाफ वालों ने. एंड दे ऑल्सो लेफ्ट अस दीज केक्स जो मैं खा नहीं सकती. यश देख रहा होगा और ही मस्ट बी लाइक कि शालिनी नो
मत खाओ आप ये सब. तो ठीक है यश, नहीं खा रही हूँ मैं. आई एम रेडी फॉर माई फर्स्ट फैशन वीक. दिस इज माई फिट. सिंपल सा है बट ठीक है, कोई नहीं. द्री, हाउ डू यू लाइक माई फिट? स्टाइल बाय द्री. चलो द्री करेंगे चिल, हम लोग जा रहे हैं. आ गया, पहुंच गया आपका नीचे वाला. मैंने आपको ओटीपी पिन भेज दिया. हाँ. है मेरा पहला लैक्मे फैशन वीक और 7 o'clock का शो था. आई मिस्ड इट क्योंकि ट्रैफिक में चला गया सारा टाइम. मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना ट्रैफिक लग जाएगा. देयर वाज सम एक्सीडेंट दैट हैपेंड जिसकी वजह से और डिले हो गया. बट ठीक है, देयर इज 9:30 का शो. आई विल ट्राई टू अटेंड दैट. थोड़ा सा सैड सा फील हो रहा मुझे बिकॉज आई हैव नेवर डन दिस बिफोर. आई वांटेड टू एक्सपीरियंस दिस. कोई है भी नहीं. यूजुअली लोग साथ में होते तो अच्छा लगता है आपको. हिमाद्री कल का शो अटेंड कर रही है. बट ठीक है, हमेशा सबको साथ लेके चलना ज़रूरी नहीं है. शालिनी अकेले के लिए भी चीज़ें करना सीखो. 7 मिनट में मैं पहुँच रही हूँ. आई वॉज इन ट्रैफिक फॉर 2.5 hours ऑलमोस्ट गाइस. पहुंच गए हम द ग्रैंड होटल. अंदर आ गई हूँ मैं. काफ़ी हाई फाई फैशनेबल लोग घूम रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, आज मैं भी वही फैशनेबल लग रही हूँ, है ना गाइस. तो आई हैव दिस शो दैट आई नीड टू अटेंड 8:30 का. 7 o'clock वाला तो मिस हो गया. एंड आई गॉट सेकेंड रूम में P22. सो लेट्स गो अटेंड दिस. एंड देन हिमाचल को मैंने बोला कि तू आ और साथ में डिनर करते. तो इधर ही आ, अंदर चलते हैं. आज मैं आपको दिखाती हूँ कि फैशन वीक में आखिर होता गया. तो यहाँ से हमको एंटर करना है. उसके बाद जब फैशन शो खत्म हो जाएगा देन आई विल शो यू अराउंड कि यहाँ पे क्या चल रहा है. सो ऐसे रोज बना के रखे हुए हैं. मुझे सेकंड रो मिला है. ठीक है, आई एम हैप्पी विद इट. फैशन शो हो गया है, बस एक ही शो अटेंड कर रही हूँ मैं. आप लोगों को कैसा लगा? थोड़ा बहुत स्निपेट्स मैंने कलेक्शन का डाला है. यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. दूसरे शो के लिए लोग लाइन में लग चुके हैं. एंड ये दिखा रही हूँ मैं आपको फैशन शो की बिहाइंड द सीन, मतलब और क्या क्या चल रहा होता है यहाँ पे. दे हैव फूड स्टॉल्स वगैरह. ये फ्री के नहीं है, इसके पैसे देने पड़ते हैं खाने के लिए. यहाँ पे आप खाना बैठ के खा सकते हो. छोटे छोटे ना फोटो बूथ्स भी लगा के रखे, जैसे यू कैन टेक पिक्चर देयर देयर. सो क्यूट. वन इटर्निटी लेटर. मैं हिमाद्री से मिलने साइबर हब आ चुकी हूँ. बाप रे, मैं आपको क्या बताऊँ, व्हाट अ नाइट इट हैज बीन. कैब ही नहीं मिल रही थी, कैब ही नहीं मिल रही थी. बहुत परेशान हुई मैं. नेटवर्क का बड़ा दिक्कत है यहाँ पे. साइबर हब लुक्स फन. सो दिल्ली वालों, आप अपनी पार्टियाँ यहाँ पे करते हो बेसिकली. ओहो, चलो हिमादी को ढूंढते. हिमादी कितनी क्यूट लग रही है, मेरा बच्चा. पाउडर ब्लू बहुत सूट करता है तुझ पे. वेयर इट मोर. थैंक यू. ये भी सुंदर लग रही है. मैंने कब से एडमायर कर रही थी इतनी खूबसूरती की. वाओ यार, कितनी प्यारी लग रही है. देखो हिमादी को ऑक्सीडाइज ज्वेलरी दिख गई और वो चली गई दौड़ते हुए. सो प्रीटी. हां, दिस इज वेरी प्रीटी. सिंस यू डोंट डू आई आल्सो लाइक दिस. दिस इज आल्सो वेरी नाइस. द्री, दिस लुक्स गुड ऑन यू. द्री की दिवाली शॉपिंग व्लॉग हो गए. शॉपिंग फॉर कप्स, बट दे रियली हैव क्यूट वंस. लाइक लुक एट दिस वन, शी गॉट दिस वन फॉर हरसेल्फ. वेरी प्रिटी. शॉपिंग करके हमने, कोई टेंशन नहीं था. ओवरवेट है मेरा लगेज, पर हमको दिख गया तो हमने कर ली. द नेक्स्ट डे, हिमाद्री स्टाइल. हिमाद्री को पता नहीं क्या प्रेम है धूप से और गर्मियों से. गर्म पानी से भी नहाती है, उबलते हुए धूप से. लावा से नहाती है ये. कल बिना एसी के सुलाया इसने मुझे. एक सारा है जो फुल ऑन ब्लास्ट में एसी पंखा ऑन करके सोती है और ये ऑपोजिट. नहीं पता, मेरा शरीर भी बहुत ठंडा है. ये देखो अभी भी ठंडा है इसका शरीर. बोलती चलो दीदी बाहर धूप से देखते जब तक हमारी कैब आ रही. अभी हम रेडिसन से एरो सिटी जा रहे हैं. नोवोटेल किया हम लोगों ने आज के लिए. वहाँ पे हम हमारे लगेज ड्रॉप करेंगे. देन वी विल गो टू सरोजनी फॉर शॉपिंग. हमारी कैब आ गई. यस, हमारे पास 3 लगेज है इस वक्त, जिसमें से 2 मेरा है. रीच द होटल रूम. और MMT ने हम पे धोखा कर दिया. हमने रात को बहुत चौड़े से हम इसको बुक करके सो गए और मैंने चेक नहीं किया बिकॉज ऑफ कोर्स वंस यू बुक हो जाता है राइट, हु चेक्स किया आ गया कि नहीं. मैं अभी हम पहुंचे होटल. मैंने मैसेज खोला, उसमें कहा अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट बुक योर प्रॉपर्टी, आपका रिफंड आ जाएगा. माधुरी बोलती है हम जिस होटल में वहां हमारी बुकिंग नहीं है, हम लगेज लेकर आ रखे हैं और बुकिंग ही नहीं है हमारे होटल में. तो ये वाज गुड इनफ. लाइक वो कट गया. अभी हमने पर्दा खोला तो सामने व्हाट अ व्यू. वाओ, मैंने वस्त्र बदल लिए हैं. मुझे लगा कि मैं थोड़ा कुछ एकदम लाइट लाइट सा पहनती हूँ. आई फील वेरी ब्लोटेड, हैवी हैवी फॉर सम रीज़न. हिमाद्री काम कर रही थी, मैं थोड़ा चिल मार रही थी. एंड देन नाउ वी आर लीविंग फॉर सरोजनी. अभी तो शुरू करना है हमें शॉपिंग. चलो 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 चलो.
Let's dig in Himadri. I can see some oxidized jewelry there. It's a Saturday. It is going to be crowded. वैसे सरोजिनी इज ऑलवेज क्राउडेड. कितने क्यूट क्यूट कुर्ताज है यहाँ पे. दिस इज सेल 250 रुपीज ईच कुर्ता. आई थिंक वी कैन बार्गेन यहाँ पे. 150 रुपए में कुर्तियाँ ले लो. 150 रुपए में. 137 नंबर है आपके शॉप का. यहाँ पे ना सिर्फ फिक्स प्राइस में सब मिल रहा है एंड ये ड्रेस हमको पसंद आ रही है. आई लाइक दिस. बोहो वाइब दे रहा है. इट्स लाइक गोवा वाइब ब्रो. 15 मिनट हो चुके हैं अंदर आए हुए. हमने कुछ भी नहीं लिया अभी तक. वी फाउंड अ ज्वेलरी शॉप. तो ये पहली लड़की होगी जो सरोजिनी के तोरण खरीद रही है. ओनली वन. कपड़े छोड़ के क्या खरीदा? तोरण. दिवाली आ रही है ना. तेरा तो मैंने ना ऑप्शन नहीं मिलता. ये वाला दिवाली आइटम. कितनी खुश हो गई. फॉर मी आई हैव अ फीलिंग दैट दिस इज गोना बी अ फ्लॉप सरोजिनी विजिट. क्योंकि हेमू ने तो तोरण ले लिया. इयररिंग्स पसंद आ रहे हैं उसको. कुछ कुछ पसंद आते जा रहा है. बट मैं स्ट्रगल कर रही हूँ यहाँ पे. बहुत कुछ कुछ पसंद. आई रियली लाइक दैट टोस्टेड शर्ट. आई वांट इट. नाउ दैट वी सी ना आई थिंक वी शुड गो दिस वाले टी शर्ट की शॉप. वो वाले टी शर्ट की शॉप. चल ठीक. दिस इज सो क्यूट. आई लाइक दिस. आई लाइक इट. दिस इज सो क्यूट दादा. आई लाइक इट. डू यू थिंक यू वेयर समथिंग लाइक दिस? ठीक है. इसका एक ये कलर है, एक ये ग्रीन कलर है. इसमें क्या लिखा है? सीरियल चिलर. बता. सीरियल चिलर. मैंने सरोजिनी से एक झुमके लिए थे 4 साल पहले. वो अभी तक ऑक्सीडाइज नहीं हुए. एंड एवरी टाइम आई वेयर इट कहाँ से लिया था, कहाँ से लिया था. One eternity later. We are back home. How was your experience? She was so overwhelmed. Your mother was like, दीदी मेरे हाथ पर छोड़ना. मैं बहुत डर गई थी. But now she is fine. फिर उसके बाद लोगों ने बहुत हक्का मारा. मुझे डांटा. एक तो इंसान ने डांट भी थी. She was being so sweet. I was like, इतना sweet मत बन भाई. मैंने उनको बहुत प्यार से कहा कि भैया please side हो जा. कहा आ जाओ. Oh, this is what you are wearing. दिस इज द्रीबाई माद्री. ये उल्टा है, इसको प्रेस करने के लिए रखा है हमने. ओके सो ये वो पहन रही लैक्मे फैशन वीक के लिए जा रही है. मेरा तो नहीं है. ठीक है. बट आई लाइक हाउ द्री इज गोना स्टाइल हर ओन क्लोथिंग. मुझे लगता है कि सरोजनी का हमारा जो शॉपिंग एक्सपीरियंस था, इट वाज नॉट अ फ्लॉप थिंग, बट एकदम ही बहुत अच्छा भी नहीं गया. वही लग रहा था हमको कि लोग नेगोशिएट नहीं कर रहे हमारे साथ. फिक्स प्राइस पे आ चुका है तो हम लोग छोड़ते जा रहे थे. फिर देन वी वर लाइक कि यार कोई नहीं करने वाला. प्रॉब्ली हम लोग रॉन्ग टाइम पे भी आए हैं. वी आर नॉट फाइंडिंग द राइट शॉप्स ऑल्सो. यू वी वर नॉट फाइंडिंग द राइट शॉप्स ऑल्सो. जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता रहता है ना. तो ठीक है, बट एक और बार आ जाएंगे. कोई नहीं. 2 hours later. ओके आई एम ऑल रेडी फॉर डिनर. हिमाद्री का शो खत्म हो चुका है तो वो वापस आ रही है एंड हम दोनों साथ में डिनर के लिए जाएंगे. अरे आगे हमारी बिटिया दादी आ गई. कौन हो आप? पता है मंदिर में सब तुम्हें घूर घूर के देख रहे थे. अगर भगवान को देखने के बजाय सब मुझे घूर के देख रहे थे तो इट्स नॉट माय प्रॉब्लम. चलो अब हम जा रहे हैं एक जापानीज रेस्टोरेंट डिनर करने के लिए. हम पहले चलेंगे हील्स में. यस मैं तो हील्स ही पहने. आपने पहने हील्स? आप चलेंगी पैदल हील्स में. हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे थे एंड देन वी मेट अ डॉग. ओह ही इज इन वर्क राइट नाउ. लुक. यस रेडी गो डू योर जॉब. ओहो I think I'm distracted. यार. I'm sorry, हमें distract किया था. Freddy was working, but I think क्या करूँ इसे पता चल रहा था. बहुत ना dicey हो रहा है वो. So यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग डिनर. डिनर इज ऑन मी. इतनी रोशनी है. मैंने इधर आराम से मेन्यू पढ़ा. मैं कह रही हूँ वेजिटेरियन सुशी खाएंगे. कह रही वेयर इज इट, वेयर इज इट. इनको दिख नहीं है. आई कैन आल्सो रीड इट बट आई लाइक कंसंट्रेट. एक एक वर्ड अच्छे से फोकस. बुढ़ापे की तरफ जा रही हो आप. आई थिंक इसने कैंडल दी उन्होंने ताकि मेन्यू हम पढ़ सके. हमने ऑर्डर्स प्लेस कर दिया है एंड हिमाद्री आस्क्ड फॉर पेन एंड पेपर ताकि हम बिंगो खेलें. बिंगो कितने अच्छे से ला के दिए हमको. सो क्यूट. हिमाद्री तो क्या स्पार्कल कर रही है एकदम. बहुत सुंदर लग रही है. हाँ वी जस्ट प्लेड फर्स्ट गेम एंड इट्स अ टाई बिटवीन अस. और मैं एकदम कॉम्पिटिटिव मोड पे आ चुकी हूँ. मैं जीतेंगी. यस हु वॉन? Of course, मैं लिख भी दिया इसमें. द विनर इज हिमाद्री. हमने 6 गेम्स खेले. दिस वॉज अ टाई. फिर दो मैं जीती, दो हिमाद्री जीती. तो भी डिनर टाई ब्रेकर. फिर हिमाद्री फाइनली जीत गई. क्या दिखाना चाहती हैं आप? अरे बाबा विनर हिमाद्री. गाइस वी प्लेड अनदर गेम जिसमें हिमाद्री और मुझे एक दूसरे की पिक्चर बनानी थी. दिस इज व्हाट आई मेड. दिस इज व्हाट शी मेड एंड आई थिंक ओके लाइक आई वाज लाइक क्राइंग एंड लाफिंग. So this is beautiful, right? This is a solid 10 on 10.
Not really. This tense. Actually looks at me. Looks slightly, like me. It's like slightly. Guys, wait. And then this is what you want. I'm so impressed with the eyeliner though. Like she kept the wing. Okay, wait. The eyes look. And something happened here. बहुत कुछ happened. हम बहुत जोर से हंसे हैं अभी. मेरे पेट में दर्द हो गया था हंसकर. I died. मेरे heart beat इतनी तेज हो गई. मेरी आँखों से आंसू आए. I was like literally crying and everything. पूरे restaurant में सब हंस रहे थे. हम सब वो लोग देख रहे थे हमने क्या drawing बनाई है दूसरे की. 3 days later. दोस्तों की हाल चाल. I am back in Mumbai. दिल्ली का सफर बहुत ही ज्यादा अच्छा था. बड़ा मजा आ गया. सबसे बेस्ट पार्ट था सफर का हिमाद्री के साथ टाइम स्पेंड करने का. आई मिस्ड हर सो मच. लास्ट टाइम हम लोग नायका लैंड नहीं ममार्ट का एक इवेंट हुआ था अवार्ड नाइट उसमें मिले थे. सो अभी मैं आप लोग को ना हॉल दिखा देती हूँ कि मैंने सरोजिनी नगर मार्केट से क्या क्या खरीदा. ओ पता है क्या, वापस आते से दिल्ली से मैं बीमार पड़ गई. 3 दिन तो मैं ऐसी बीमार थी. आई ऑल्सो लुक काइंड ऑफ टायर्ड एंड बीमार ना, क्योंकि अभी कल ही ठीक हुई हूँ मैं. सो आई लाइक 5 things टू शो यू. मैं अच्छे से सरोजिनी मार्केट एक्सप्लोर नहीं कर पाई जैसा कि मैंने आपको बताया. सो फर्स्ट थिंग आई गॉट इज दिस पिंक एम्ब्रॉयडर कुर्ता. ये एकदम कश्मीरी कुर्ता वाइब नहीं दे रहा है? इसका मटेरियल काफी सॉफ्ट है, कॉटन मटेरियल है एंड इट्स अ शॉर्ट कुर्ता. सो ये मुझे 250 का पड़ा. आई गॉट दिस इन द साइज मीडियम. देन आई गॉट 2 t-shirts. भाई साहब क्या कलेक्शन है टी शर्ट का सरोजिनी नगर मार्केट में. सो दिस इज द फर्स्ट वन. बहुत लूज फिट कर लिया है मैंने. ठीक है, यू नो वॉट, आई हैव नेवर सीन दिस कार्टून इन माई लाइफ. सो आई डोंट नो व्हाट्स द कैरेक्टर नेम इज. आपको पता है तो मुझे बताना. और इसके पीछे लिखा है आई हेट मॉर्निंग्स. उसी शॉप से मैंने ये दूसरा टी शर्ट ले लिया जिसमें पांडा बनाए सामने. बेहद सुंदर कलर है ये. मुझे मॉफ पिंक कलर काफी पसंद है, आप लोग को पता ही है. और इसके पीछे लिखा हुआ है पांडा. देन वी गॉट दीज इयररिंग्स. हिमाद्री ने भी सेम लिए. डिटो. आई थिंक वी पेड 30 rupees फॉर दिस पेयर. एंड दिस इज अनदर पेयर ऑफ इयररिंग्स दैट आई गॉट. आई पेड 100 rupees फॉर दिस. इसको लेके मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल थी, बट डिजाइन रिमाइंडेड मी ऑफ फिल्ग्री आर्ट इयररिंग्स, जो कि उड़ीसा का काफी पॉपुलर आर्ट है. आई थॉट कुछ ना कुछ ऐसी हटके ले लेते हैं. सो दैट वाज द हॉल. अब मैं जल्दी से जाके रेडी होती है. जो मेरी सिस्टर है, कजिन सिस्टर वंदना, उनके हस्बैंड का जन्मदिन है, तो मेरे ब्रदर इन लॉ का जन्मदिन है और वो अब यहीं पर रहते हैं मुंबई में. वो जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ से कुछ 40-50 minutes लगता है उनके घर पहुँचने के लिए. सब लोग इतने दूर दूर रहते हैं ना मुंबई में, ऐसा लगता है कि जाने आने में समय निकला जा रहा है. बट दिस इज द रियलिटी ऑफ मुंबई. ऑलरेडी एंड सेट टू लीव. क्या भर दिया इसके अंदर, इतना भारी हो गया है ये बैग. आई एम ऑल्सो कैरिंग दिस बैग. इसके अंदर कुछ चॉकलेट्स वगैरह भरे हैं एंड वाटर बॉटल फॉर संबित, जो कि मेरे ब्रदर इन लॉ है उनके लिए. आई एम ऑल रेडी एंड सेट टू लीव कैरिंग 2 bags टूडे, क्योंकि ये वाले बैग में सब सामान नहीं आ पाया. ऑटो करते हैं और चलो चलते हैं. आई मेड इट टू माई सिस्टर्स हाउस. मीट वंदना. यू गाइस नो हर, शी इज गेटिंग रेडी. हम लोग जा रहे हैं बारबेक्यू नेशन. पता है ये पूरे कमरे को शिमला बना के बैठती है बिल्कुल सारा जैसे. मैं नहीं कर सकती, कैसे जीते तुम ऐसे. एसी भी ऑन, पंखा भी ऑन, कैसे ऐसे कि ठंडा ठंडा लगेगा उड़ के बैठो. चल रही तुम जाओ चेंज. मैं भी लेके आई हूँ, पता है मैं भी चेंज करूंगी. आई विल वेयर दिस. यस दिस इज माय लुक आफ्टर चेंजिंग. ये मैंने वंदना का ले लिया है. मैं मार लिया है बोलने वाली थी पर ले लिया है मैंने. वंदना इज ऑल्सो रेडी एंड दैट संबित जिसका जन्मदिन. अरे संबित को फुटेज दे रही थी मैं. अरे नहीं नहीं कुछ भी समझे ना, मेरी बहन के बारे में ऐसा नहीं बोलना प्लीज. कितनी क्यूटली सजाया देखो बैकड्रॉप को उसने. हैप्पी बर्थडे लव लिखा. ओलीली ओनली फॉर मी. ओ हां क्यूटूस. थैंक यू माय टू क्यूटूस क्यूटूस क्यूटूस. चलो हम लोग पहुंच गए. दिवाली के लिए कितना सही सोचा है. आई है मेरी कोरियन क्वीन. You are giving Korean vibe. Oh ho, oh ho, oh ho, oh ho. हम लोग Uniqlo के अंदर आ चुके हैं. I am buying gift for Sambit. I told him कि Uniqlo से कुछ ले ले. मुझे तो इनकी क्वालिटी काफी अच्छी लगती है. हाँ उसको पहना दे. This is so nice. तू कम से कम Sambit के कपड़े पहन सकती है बहन. सोचो तूने इस बारे में. जो उसका है वो तेरा, पर जो तेरा वो उसका नहीं हो सकता. Guys look at this piece. This is so smart. But इसमें size नहीं मिला हमको. Oh कितना सुंदर लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. छोटे बच्चे की शॉपिंग करा रही हूँ मैं. वेरी क्यूट. जा हम दोनों लेंगे. हमने समित को बर्थडे गिफ्ट तो दिला दिया. उस चक्कर में हमारा जो रिजर्वेशन टाइम था वो चला गया. सिचुएशन क्या चल रहा है. ये देखो
अरे यार भीड़ का, जैसे मैंने व्लॉगिंग कैमरा दिखाया भीड़ चली गई, बहुत सारे लोग खड़े थे गाइस, आई स्वेयर यहाँ पे खड़े थे गाइस, हमारा सोफा भी ले गया हम लोग से बैठे थे. We finally got ourselves a table. लोगों को बोल रही थी कि मैं पहली बार बारबेक्यू नेशन आई हूँ, मैंने मंगवाया है Zomato वगैरह से, स्विगी से, पर मैं आके ऐसे बैठ के खाया नहीं. This is so unique. मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया, which is सीखा हुआ pineapple. हम लोग के पास बहुत सारे सीखे हुए pineapple हैं. We have chicken, fish and prawn, जो कि Wingardium Leviosa करके पकड़ा हुआ है somewhere. This is Wolverine, yes. Guys, हो गया आपको बस लग गया आपको. अच्छा से बैठ टाइम हो चुका है कि हमने ना ये टाइम हो गया. सबमिट हो गया वाला. Yay! Happy birthday, सबमिट. Cute. Thank you. केक मेरा बनाया हुआ. I'm so proud of you. तुमने हमको जो केक उन्होंने दिया था वो भी पैक करवाया तुमने. ट्रू इंडियन. मैं भी यही करती सच में. ऑर्डर करना बोलिए कि ऑटो में बैठ के ऑर्डर कर रही हूँ. साथ साथ वीडियो भी एडिट कर रही हूँ. आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस व्लॉग. आई एम गोइंग टू सीरियसली लिसन टू द ब्रांड कॉर्नर.